हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज़ विद ClearTax। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2020 से जुड़े हुए कुछ रूमर्स, उन पे क्लेरिफिकेशंस और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा सुना कि कुछ ऐसा भी ओपिनियन है, अभी कुछ लोग ऐसे भी कंसल्ट कर रहे हैं कि जो GSTR 1 क्वार्टरली फाइलर्स हैं उन पे 2020 का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। और इसके लिए रीज़न बताया गया है कि जो इसका नोटिफिकेशन है, जो क्वार्टरली फाइलिंग की बात करता है, नोटिफिकेशन नंबर 45/2019, वो सेक्शन 148 के अंदर इशू किया गया है, ना कि सेक्शन 37 के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी कि सेक्शन 148 है क्या, पहले मैं आपको वो बताऊँगी एक बार, तो उसका टेक्स्ट मैं आपके लिए रीड करूँगी। इसके लिए मैं हमारा जो कंसल्टीज़ का डॉक्यूमेंट है उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ईजी है, बियर एक्ट को अमेंडमेंट के साथ है और साथ में लिंकिंग भी है सेक्शन की, तो ऊपर से ये सीधा क्लिक करके मैं सेक्शन 48 पे आ गई, सेक्शन 148 सॉरी के लिए सेक्शन 148 का टेक्स्ट रीड कर रही हूँ। इट सेज गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन सेफ गार्ड में एज मे बी प्रिस्क्राइब नोटिफाई सर्टेन क्लासेज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड द स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई सच पर्सन इंक्लूडिंग दोज विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन। तो कुछ लोगों से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की बातें या रिटर्न की जो बातें हैं उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब करने का इसको राइट दिया गया है। अब देखते हैं कि जो मेरा नोटिफिकेशन नंबर 45 है उसमें उन्होंने प्रिस्क्राइब क्या किया है, तो उसका पैरा नंबर 2 मैं आपके लिए एक बार रीड करूँगी, यहाँ से आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी। द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन फॉर्म GSTR 1 अंडर CGST रूल। तो भले ही उन्होंने सीधा सेक्शन 37 नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने भी GSTR 1 की बात की है, जिस GSTR 1 की जो CGST रूल्स के अंदर दी गई है। अब CGST रूल में देखती हूँ कि GSTR 1 किसको फाइल करनी है। सो इफ यू विल सी इन रूल्स, तो रूल नंबर 59 है जो GST के अंदर GSTR 1 की बात करता है, एंड इट सेज द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो मैं इसका टेक्स्ट आपको फिर से पढ़ के सुना रही हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन referred to in section 14 of IGST Act required to furnish the detail of outward supply of goods or services both under section 37 shall furnish such detail in form GSTR 1 electronically। यानी कि GSTR 1 की फाइल करने की डेट सेक्शन 148 के अंदर निकले नोटिफिकेशन ने बताई और उसने कहा कि वो डेट आपकी क्वार्टरली हो जाएगी। किसकी डेट हो जाएगी? GSTR 1 की। GSTR 1 कौन सी? जो रूल्स के अंदर बताई गई। और रूल 59 ने GSTR 1 के बारे में क्या बताया कि GSTR 1 क्या है? GSTR 1 वो रिटर्न है जो सेक्शन 37 के अंदर फाइल की जानी चाहिए। तो कुछ लोग जो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ले रहे हैं कि जो हमारी क्वार्टरली फाइलर्स हैं उन पे ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो रिटर्न 37 के अंदर फाइल नहीं होती। सर, वो रिटर्न बिल्कुल 37 सेक्शन के अंदर ही फाइल होती है। 148 वैसे भी रिटर्न नहीं बता सकता, वो सिर्फ कुछ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो 148 ने यही कहा है कि वो कह रहा है कि 137 वो कह रहा है कि 37 के अंदर जो रिटर्न आप फाइल करते हो सेक्शन 37(1) की GSTR 1 को फाइल करने की डेट कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी रिटर्न सेक्शन 37(1) के अंदर फाइल नहीं होती, 37 के ही अंदर फाइल होती है। लॉ से उसकी पूरी बैकवर्ड कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे वो आती है, और क्लियरली वहाँ पे मेंशन भी है। तो मैं इसलिए बोलूँगी कि लॉ में जब हम लोग कंसल्ट करें तो हमें बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प रिपरकशन आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप अब ये सोच के और क्वार्टरली की छोड़ के और उनका क्रेडिट आप ऐसे लेना शुरू कर देंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर मैंने ले लिया एक्सेस क्रेडिट तो होगा क्या? अगर आप एक्सेस क्रेडिट ले लेते हैं, अवेल कर लेते हैं, एक तो ये कि अगर आपकी यूटिलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है तो एक अलग ट्रीटमेंट है, और अगर आपने सिर्फ अवेल किया है तो अगर मुझे पे करने की ज़रूरत ही नहीं है तब तो मुझे बिल्कुल भी अवेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट भी नहीं हुआ लेकिन मेरे पार्ट पर एक डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपने क्रेडिट अननेसेसरी अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ 2A माइनस इनएलिजिबल क्रेडिट, उस केस में आपको वो क्रेडिट विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, और साथ में आप पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सब जानने के बाद आपको साफ साफ कहा गया है कि आप 20% नहीं करेंगे, बिना उस कैलकुलेशन के अगर आप 20% से ज़्यादा क्लेम कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और साथ में आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो बनेगी। जहाँ पे आपने सिर्फ अवेल किया लेकिन आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आप बचेंगे कैसे? क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी कि आप लिटिगेशन में चले जाएँ? क्योंकि मैं हमेशा ये सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि जितना आप बच सकते हैं डिपार्टमेंट के नोटिस से और लिटिगेशन से उतना बचें, क्योंकि
हम में से हर किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग लिटिगेशन में जाएंगे, क्योंकि हम लोग कई बार कुछ कोर्ट केसेस कोई बोलते हैं तो इसके लिए भी पटना हाई कोर्ट का केस है जो कहता है कि यूटिलाइज होने के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट की लेवी है या वो यूटिलाइज किया गया है या अवेल किया गया है, जो सेक्शन 73 और 74 में वर्ड्स यूज हुए हैं। लेकिन अननेसेसरीली अगर मुझे नोटिस आ जाता है तो क्या मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि मैं एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करके अपील में जाऊं, फिर उसके बाद मैं ट्रिब्यूनल में जाऊं, मैं हाई कोर्ट में जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, क्या मेरी उतनी कैपेबिलिटी है? तो आई थिंक एक जनरल जो टैक्स पेयर है उसको मैं बोलूंगी कि इससे अच्छा है कि आप ऐसा प्रिकॉशन लेके चलो कि आपको कंप्लायंस फुल रहे आपका, तो आपको उस तरह की हालात पे आपको जाना ही ना पड़े। तो मान लीजिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी 20,000, बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बता दें, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई टी सी आपका 50,000 का है, 60,000 का है, उसको आप ले रहे हो, कल उसका आपको नोटिस आएगा, तो आप किसी कंसल्टेंट से अगर उसको आगे जाके लिटिगेशन में कोशिश करेंगे तो आपका वहीं पे इतना एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा। तो एज ए बिजनेस पर्सन आपको ये देखना है कि क्या मुझे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ उठा के उसको अप्लाई कर देना है खुद के ऊपर, या मुझे जो सिंपल और सबसे सेफ जो मेरे लिए तरीका है मुझे वो लेके चलना है, क्योंकि आज आपको थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी लेकिन कल आप अपना सेफ गार्ड आराम से कर सकते हो, कल आने वाली मुसीबतों से आप बच सकते हो। तो 2020 को लाइटली नहीं लेना है। और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ये ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन मैं जितना लॉ को रीड कर पा रही हूँ, जितना मैं आपको बता पा रही हूँ, उसके हिसाब से ये सब पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स जरूर देने की कोशिश करूंगी जिससे आप 2020 के इम्पैक्ट से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न को मंथली रिटर्न में कन्वर्ट कर लीजिए। देखो, आप जब क्वार्टरली भी फाइल करते हो तो एक्चुअली में क्या होता है कि मेरे को तो इन्वॉइसेस सारे डालने ही पड़ते हैं, तो आप मंथली भी फाइल करोगे तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है, उल्टा उससे आपका जो डेटा है वो ज़्यादा सिंक्रोनाइज रहता है और गलती होने के चांसेस उल्टा और कम रहते हैं। सेकेंडली, अब जो लोग उस ITC को अवेल कर रहे हैं, देखिए उनके लिए एक बड़ी हार्डशिप है, आपको एक प्रॉपर डिटेल बना के रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बना के रखनी पड़ेगी, और जो लोग उनको कंसल्टेंट से जो उनकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी काम अननेसेसरी बढ़ गया है। आपको पूरी डिटेल बना के रखनी पड़ेगी कि 2A के अंदर जितना मेरा क्रेडिट आया और जितना मैंने वेंडर से अपने परचेज रजिस्टर में दिखा रखा है, तो मेरा जो परचेज रजिस्टर है वो 2A से तो मैच करेगा ही नहीं क्वार्टर तक, अगर आपके क्वार्टरली वेंडर ज़्यादा है, तो उसमें से जितनों का बच गया उनका फिर जब जब आ रहा है आपको तब टेकअप करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कैलकुलेशन कंबरसम है और बिना किसी अच्छे सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी के, या तो आप कोई एक्सेल यूटिलिटी खुद डेवलप करें या फिर आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करें तभी आप उसको कंप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। तो ये 2020 के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन है जो CBIC की तरफ से भी आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क्लेरिफिकेशन ऐसा नहीं था जिसने कुछ अपसाइड डाउन कर दिया हो, कि बिल्कुल पलट के बता दिया हो कि अच्छा ऐसे हो जाएगा, तो हमें उसको कंप्लाई करना है। आपको ध्यान होगा इस वक्त 2A और 3B की मैचिंग के लिए कितने नोटिसेज आ रहे हैं सबको, तो आप 2A से ज़्यादा 3B के अंदर क्रेडिट लिए तो आपको झट से नोटिस आ जाता है, आप मैसेज आ जाता है, SMS आ जाते हैं कि यार तुमने इस बार ज़्यादा ले लिया अपने 2A के अंदर, तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते प्रोविज़न को। और आई विल अगेन से दिस थिंग कि आप लोग प्लीज़ कंप्लाइंसेस पे ध्यान दें, रिटर्न अपनी टाइम से फाइल करें। इतनी मशक्कत CBIC को सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम में से कुछ लोग रिटर्न ठीक से फाइल नहीं करते, हम में से कुछ लोग फ्रॉड कर जाते हैं, और वो एक दो जो फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं ना, उसके पकड़ते ही गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा इसको कर्व करने के लिए क्या करें, और उसको कर्व करने के बाद जो प्रोविज़न बनता है वो सारे छोटे और नॉर्मल टैक्स पेयर को ज़्यादा परेशान करते हैं, और जिनको फ्रॉड करना होता है वो फिर भी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो लोग कंप्लायंस कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें, जो लोग प्रॉपर कंप्लायंसेज में बिलीव करते हैं, सही टाइम पे इनवॉइस काटते हैं, सही टाइम पे टैक्स डिपॉजिट करते हैं, अपनी रिटर्न फाइल करती हैं। हम अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है GST के अंदर, हमें बिजनेस करना है, तो ये सब उतना ही हिस्सा है जितना सेल करना, माल को पहुंचाना, उसको लेके आना, जितना आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हिस्सा आपकी सेल से, उतना ही ज़रूरी हिस्सा ही कंप्लायंसेज भी है। इनको छोड़ के या इनसे अलग हटके हम लोग अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ हमें सारे के सारे इन्वॉइसेस मेंटेन करने हैं, उनकी एकदम सही रिटर्न फाइल करनी है, और 2020 को फॉलो करना है जब तक इसका कोई वे आउट नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के लिए अपने रिटर्न को हम लोग मंथली पे शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी रिटर्न को, यानी कि GSTR 1 को। विद दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आपको आपके डेस्कटॉप पे मिले, काम करते करते आपको पता चल जाएगी GST के अंदर भी अचानक से क्या हो गया है, तो आप हमारी साइट consultease.com पे जाके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे अलाउ एक नोटिफिकेशन आता है, आपको नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए एक विंडो आती है छोटी सी, उस पर आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया आर्टिकल पोस्ट होगा GST से रिलेटेड तो आपको खुद ही उसका नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिले। So with this important discussion, I would like to close this video. Thank you so much.